अगर आप अपने घर में शादी या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए डीजे बुकिंग करते हैं और डीजे को प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर बंद नहीं किया जाता तो उसके लिए आप पर गाज गिर सकती है। दरअसल डीजे एसोसिएशन जोगिंदरनगर ने नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद डीजे बजाने के लिए संबंधित घर वालों की जबरदस्ती के चलते डीजे बजाने पर विवश होना पड़ता है और ऐसे में कोई पुलिस से देर रात तक डीजे बजने की शिकायत करे तो कार्यवाही भी डीजे वाले पर होती है। एसोसिएशन के प्रधान राकेश कुमार ने बताया बीती रात एक डीजे वाले के साथ ऐसा ही हुआ जहां पर पुलिस की सहायता से 12 बजे के बाद स्वयं जाकर डीजे बंद करवाना पड़ा जिसके बाद समस्त एसोसिएशन ने घट्टा पुलिस चौकी पर जाकर अपनी बात पुलिस के सामने रखी जिस पर पुलिस द्वारा संबंधित घर वालों पर उचित कार्यवाही करने की बात की गई। मैं राकेश कुमार डीजे एसोसिएशन जोगिंदरनगर प्रधान। कल हमने एक ज्ञापन अपने नायब तहसीलदार जोगिंदरनगर दिया था जिसमें कुछ सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन थी जो कि 10 बजे तक डीजे अलाउ था और उसमें हमने लिखा था कि जब भी कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी उसमें के बीच में कार्रवाई करता है तो वो कार्रवाई ना कि हमारे ऊपर की जाए बल्कि जो घर वालों ने हमें बुलाया है उनके ऊपर की जाए। इसी में इसी दौरान तहसीलदार साहब ने हमें दहाई दी थी कि जो भी कार्रवाई होगी वो डीजे के ऊपर नहीं बल्कि घर वालों के ऊपर होगी। उसमें 50 बंदों की इनविटेशन थी जिसमें 50 आदमी डीजे मिला के साथ में ही थे। दूसरी बात, सेंथल पड़ैन गांव पड़ता है, वहाँ रात को ठीक 11 बजे मेरे को फ़ोन आया कि डीजे चल रहा है, बंद नहीं करवाने दे रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जोगिंदर में फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बोला कि ये घट्टा चौकी में पड़ता है, घट्टा चौकी पुलिस चौकी में नंबर दिया। मैंने खुद रात को 11 बजे फ़ोन किया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें तो पता नहीं चल रहा है, साथ में चलो और बंद करवाते हैं। उसके बाद मैं चौंतड़ा में पुलिस स्टेशन आया, उसके बाद पुलिस वाले साथ में गए, उसके बाद डीजे 12:30 बजे के करीब पे बंद करवाया और उसके बाद घर चले गए। तो मेरी जितने भी आम जनता है उनसे अपील है कि आज की डेट में 4 से 9 बजे तक का टाइम दिया गया है, उसी के दौरान डीजे बजाएं, अदरवाइज डीजे नहीं चलेगा। और इस बात में मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि अगर वहाँ अगर 9 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो पुलिस सबसे पहले घर वालों के ऊपर एक्शन ले, उसके बाद हमारे ऊपर एक्शन ले। धन्यवाद। तुलसीराम नंबर 132 पुलिस चौकी घट्टा। रात को हमें शिकायत आई थी कि सेंथल पड़ैन में शादी समारोह में डे काफ़ी रात तक बज रहा था तो यहाँ से पुलिस पर्सनल डीजे बंद करवाने के लिए मौका पे गए तो 12:30 बजे तक वहाँ शादी में डीजे वगैरह चल रहा था तो उन डीजे बंद करवाया गया और उन्हें सुबह यहाँ आने की हेल्प की गई थी लेकिन अभी तक तो जो है वो यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। लेकिन जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी और उनका चालान करके एस्टिंग कार्यालय भेजा जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद।